लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते रघु। रघु, आज तुम इस कैद से बाहर जा रहे हो। तुम्हारे लिए इस चार दीवारी के बाहर फिर वही फैली हुई दुनिया है, जहां अमृत भी है और जहर भी है। पाप और पुण्य के उस संगम से तुम अपनी झोली में जो चाहो भर सकते हो। जेलर साहब, नीम के पेड़ पे आम नहीं लगते। चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा साहब। मैं शरीफ आदमी बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। इन चार दीवारी के बाहर गुनाह की दुनिया तुम्हारे लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। मैं उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लूंगा अगर ये शरीर मेरे विचारों का और सच्चाई का साथ न दे सका। मैं इस शरीर को भी खत्म कर दूंगा। मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं कि जीऊंगा तो सच्चाई के लिए, मरूंगा तो सच्चाई। वेरी गुड रघु। अच्छा साहब, फिर मिलेंगे। जानी, देखो वो जा रहा है। ओ, लंबू तुम, माफ कर दो रघु, तुम तो जानते ही हो हमारी और पुलिस की रिश्तेदारी कैसी है, इसलिए जेल के फाटक पर हम तुम्हारा स्वागत नहीं कर सके। काम की बात करो लंबू। अच्छा, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा चलो, मुझे भी बॉस से बात करनी है। चलो। खुशी नहीं हुई। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट? मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। शराफत? शराफत किस चिड़िया का नाम है? जिसे आप नहीं जानते। रघु, बिगड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपका और मेरा रास्ता अलग है। नहीं रघु, तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है। जिसे आप मंजिल कह रहे हैं वो मंजिल नहीं, सुराब है, जिसकी तलाश में इंसान भटकते हुए अपना दम तोड़ देता है। मुझे पुस्तलों से नफरत है। आई हेट कावर्ड्स। अगर सच्चाई का नाम बुजदिली है तो मैं वाकई बुजदिल हूं। नमस्ते। रघु, दूसरी गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। बॉस, एक गोली तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मेरा इरादा नहीं बदल सकती। अगर आपको यह डर है कि मैं पुलिस को जाकर खबर कर दूंगा, इत्मीनान रखिए, ऐसा नहीं होगा। रघु, इतने दिन जेल की तन्हाई में रहकर भी तुम कुछ न कह सके, अब क्या कहोगे? तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी गर्दन भी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं उसे मसल कर फेंक सकता हूं। आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मुझे सच्चाई के रास्ते से नहीं हटा सकते। सच्चाई के रास्ते पर जाकर भूखे मरोगे, लेकिन आपके पास रोटी का एक टुकड़ा मांगने नहीं आऊंगा। रघु, रघु, जेल वालों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे अगर अच्छा आदमी बनना है तो बनो, लाख दो लाख कमाओ, 5,000 रुपया गरीबों में बांट दो, जो हर बड़ा आदमी करता है। आपकी तरकीब आपको मुबारक हो। रघु, आज मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन तुम पछताओगे और यहां लौट कर आओगे। वो दिन आने से पहले रघु जिंदा नहीं रहेगा। ये तुम्हारा चैलेंज है? हाँ, ये मेरा चैलेंज है।
must come back. तुम्हें आना ही पड़ेगा. हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता. हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता. हिम्मत करे इंसान, करती है जिसे गलियों में बदनाम ये दुनिया, कहती है जिसे हसरत नाकाम ये दुनिया, करती है जिसे गलियों में बदनाम ये दुनिया, कहती है जिसे हसरत नाकाम ये दुनिया. बन जाए वो अरमान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता. हिम्मत करे इंसान. हमारा कपड़ा भिगा दिया और बोलता है माफ करना. आप ऐसा करो ना, कपड़ा उतार डालो, मैं झूठा डालता हूँ, आप भी उतार डालो. क्या कहा? अबे ऐसा लौपड़ दूंगा कि थूला करा दूंगा. पर मैं क्या गलत बोला, उनको सर्दी लग जाया करके मैं ऐसा बोला. आजकल सच्चाई का जमाना इतनी है. अरे माफ करो बाबा, माफ करो. अरे देखो पहले हमारा गाड़ी जल्दी जल्दी चलता क्यों नहीं. गाड़ी? कितनी गाड़ी? ओह ये गाड़ी नहीं तो क्या बैलगाड़ी है? ये गाड़ी है. अरे पानी पीड़ रोको पानी. ये हमारा गाड़ी, हमारा गाड़ी. जल्दी देखो, जल्दी देखो. अबे क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था कि इधर से देखो उधर से देखो. क्या मतलब? आपका समझ में नहीं आएगा, आपका समझ में नहीं आएगा. चलो अभी फर्स्ट क्लास हो गया. सेट, गाड़ी स्टार्ट करो. गाड़ी स्टार्ट क्या तुम्हारा सर करेगा? सब पुर्जा तुम निकाल दिया, पहले पुर्जा फिट करो. पर मैं किधर फिट करूं? किधर फिट करो? गाड़ी में फिट करो. पर मेरे को पुर्जा निकालने को आता है, फिट करने को नहीं आता. क्या बोला? फिट करने को नहीं आता. देखो भाई साहब क्या बोले. सुनो आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? बेचारा? ये बेचारा है, इसने मेरी गाड़ी के अंदर पंजे ढीले कर दिए. मैं इसके अंदर पंजे ढीले कर दूंगा. आपकी गाड़ी रिपेयर कर देता हूँ, इसे छोड़ दीजिए. छोड़ दीजिए? मैं इसे तब छोड़ूंगा जब तुम मेरी गाड़ी रिपेयर कर दोगे. ऊपर वाले आज अपने टाइगर को बचा ले, नहीं तो ये मोटा मेरे को मार मार के मेरी पकौड़ी बना डालेगा. क्या कहा? लीजिए आपकी गाड़ी ठीक हो गई, स्टार्ट कीजिए. मेरी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ तेरी तो. मिस्टर तुम तो मेरे धासु मैकेनिक निकले, मगर ये चचुंदर कौन है? जी मेरा. 10 रुपए 10 रुपए. शुक्रिया शुक्रिया. थैंक यू. चलो सर फूटो. थैंक यू. अरे जानो तो. अबे टायर क्यों तोड़ता है? अरे बाप रे. अरे पार्टनर, अरे यार तू मेरे वास्ते आज फरिश्ता बनकर आ गया, नहीं तो ये मोटा यार मेरा कछुमा निकाल देता था. सुनो यार, नौकरी दिलाओगी? नौकरी? तुम्हारे को ड्राइविंग आता है? लाइसेंस है मेरे पास. तुम ट्रक चलाएगा? हाँ.
अरे तो बिड़ू हम तेरे को नौकरी दिलाएगा, आ मेरे साथ। सलाम सेठ, आपको ड्राइवर के लिए बोला था ना, मैं लेकर आ गया हूँ। ये मेरे दादा का छोकरा है, बचपन से ट्रक चला ले रहा है और मैकेनिक तो इतने ऊंचे क्लास का है सेठ कि बगैर इंजन के गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और ईमानदार इतना है सेठ कि राजा हरिश्चंद्र भी नहीं होगा। तू चुप रह। तुम्हारा नाम क्या है? रघु। रघु हो या भगु, तुम हमारा ट्रक लेकर भाग तो नहीं जाएगा? जी नहीं, मैं आपके ट्रक को अपनी जान से बढ़कर समझूंगा। सुनो, तुम्हारी नौकरी आज से पक्की। तुम आज रात को ही ट्रक लेकर रवाना हो जाओ। ए, इसको गैरेज दिखा दो और कोई गड़बड़ हुई तो तुमको पकड़ेगा। अरे यार, अरे बाप बिड़ू। असली घी की पूरी मेरठ के आलू की भाजी, जो खाए वो हो जाए राजी। अरे बाबूलो, वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो बासी माल मिलेगा। अरे यार चलो उधर खाएंगे, पूरी बची है और पूरी बनाने वाली भी। काकी रहने दो। अरे बदमाश छोकरी, ग्राहकों पे डोरे डाल डाल के पूरी बेचे। तो तुम्हें किसने रोका है काकी? तुम भी डोरे डाल लो ना, और अगर डोरे से काम ना चले तो रस्सी बांध के बुला लेना। ठहर जा, थाली जबान खींचू अभी। अरे क्या मारती है? अरे ये मुट्ठी क्या मारेगी? मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी। मैं थारा सर तोड़ दूंगी। अरे घा खा के मुंह रांड की सांड हुई जाती है। मैं तो रांडू, तू बड़ी सुहागन है। अपने खसम को खा के भी चैन नहीं आया। अरे बेशरम, मेरा स्वामी तो बेचारा बीमारी से मरा था। और मारा तूने तो अपने वाले को जला 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 के मरा है। अरे थारा सत्या ना जा, तू तो ऐसे बोला जैसे तू उसे गले से लगा के रखती थी। अरे बेशरम खा ना, जो मेरी इज्जत की जाओ छा। अरे इज्जत है कहाँ? अरे बोलता हूँ कि मैं तेरे बगैर मच्छी के माफक तड़प रहा हूँ। तुझे यहाँ प्यार की सूझ रही है और वहाँ मार का भी लड़ है, पता है? अरे वो लोग लड़ेंगे नहीं तो अपन दोनों भिड़ेंगे कैसे? वो लोग की मारा मारिच में अपना वाला होने वाला है। अरे जब तू शर्मा जाती है ना तो मेरे दिल का इंजन है ना 100 मील की स्पीड में धगा धक धगा धक धगा धक। टाइगर बंद करो, ये क्या तमाशा है? और आप लोग यहाँ क्या तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपने अपने घर जाइए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे मेरे पर शर्म आए या ना आए, पर तू कौन है बीच में बोलने वाला? अरे कोई लगता है ए रघु। अरे माँ, ये अपना बहुत अच्छा नया दोस्त है, अपनी कंपनी का नया ड्राइवर है, अपन लोग के साथ में रहेगा अभी। अच्छा, मारे को क्या मालूम थी? चल मारे दो बेटे हो गए, आ बेटा गरम गरम पूरी खा ले। नहीं मैडम, अब मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। चल अच्छा अच्छा। अरे बेटा जरा संभाल के ले जाना। अभी गेट बंद करने को था क्या? मैं चारा ने देखा सारे से गेट खुला रहता हूँ। नहीं जाएगा, ये ठीक नहीं, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। जब गेट खुलेगा तो ही हम जाएंगे। चलो गेट खुल गया। हाँ चलो। पार्टनर, अरे यार इधर किधर गाड़ी रोक दी बाबा? देख भाई, रात के 12 बज गए। अरे यार 12 तो रोजी बजते हैं, पर तू मेरे 12 बजाने काय को सोच रहा है भाई? मैं सुनेला ये जंगल के अंदर भूत प्रेत लोग का बरस रहा है यार। क्या हुआ? अरे भूत प्रेत इंसान का वहम डर है, समझ गया? समझ गया, ठहर, भूत गाड़ी में, चल दौड़। अच्छा
अच्छा तो तू है भूत, क्या क्या करा? चल नीचे उतर, अभी पूछता हूँ। बता कि तू है टाइगर। टाइगर ये देख तेरा भूत गाड़ी में छुपा हुआ था। हाँ ये था क्या? साले ने डरा डरा के हालत खराब कर डाली। अबे कौन है बे तू? बोलता है कि दो एक लावा। इसके धक्के से गिर गया। अच्छा क्या है, दूंगा एक धक्का तो जाके वहाँ गिरेगा। अबे ओ बम्बई के कनपटी मार की तरफ तू भी धक्के मार है क्या? अच्छा देखना है। अबे सूरज जनानी और हरकत मर्दानी। आज मैं कोई जनानी हूँ क्या? नहीं बेटा ज्यादा रंगबाजी मत कर, नहीं तो माँ कदम कहीं ताव आ गया ना तो कपड़े निकाल कर नंगा करके माँ मार के भेज दूंगा। पार्टनर बिल्कुल बराबर बोला, इसका यही सजा होना मांगता है। नहीं 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 यार, देख यार किसी को मारना ये बेदर्दी से है, दूर जवां मर्दी से। कौन है तू और इस ट्रक में छुपकर कहां भाग रहा था? बड़ी लंबी कहानी है, मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहते थे जिसे मैं प्यार नहीं करता था, इसलिए भाग आया। शादी? अबे तेरे ना दाढ़ी ना मूंछ क्या बात है? देखो यार मजाक मत करो, अच्छा यार छोड़ो इस चिकने को यार, मेरे को नींद आ रही है यार, तुम कुल्फी जमा हुआ क्या? चलो सोएंगे अभी। तो ठीक है हम दोनों अंदर सोते हैं, तू बाहर सो। नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, मैं अंदर सोऊंगा यार, तू बाहर सो। चल ठीक है हम दोनों बाहर सोते हैं, तू अंदर सो। जा 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 चल जा जा यार। तेरा हाथ देना ये ले पकड़ मारे। लेट। अबे लेट ना। अबे वहां का खिसक रहा है तकिए पे। ये ले चादर, सर्दी हो रही है ना? सर्दी हो रही होगी तुझे यार, मुझे तो गर्मी लग रही है। तो फिर मुझे भी लिपट के गर्म कर दे। हा? अगर गर्म होना है ना तो जाकर आग का, मुझे नींद आ रही। मुझे नींद आ रही नखरा दे। परेशान कर लूं फिर पूछूंगा। तू यहीं रह तब तक और तमाशा दे। अरे शाबाश, क्या तमाशा है बाप। अरे वाह बीड़ू, तमाशा तुम करे और अपन देखे। हा उठो पहलवान, सुबह हो गई, चलो नहा धोकर चलते हैं। ना यार मुझे नहीं नहाना। ठीक 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 ऐसी भी क्या गंदगी, सुबह सबसे पहले कसरत करके नहाना चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए। चलो टाइगर का लंगोट पहन कर कसरत करो। अरे मेरे बाप, मुझे कसरत नहीं करनी। एक बार सीधी तरह नहीं मानेगा तो टेढ़ी तरह मनाना पड़ेगा, समझा? मैं तीन तक गिनती गिनता हूँ, अगर कपड़े नहीं उतारे तो जबरदस्ती उतार दूंगा, समझे? एक दो लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का।
अगर तू लड़की होती मैं तेरे नाज उठाता और तुझे पाक की सैर कराता, मैं तेरे नाज उठाता और तुझे पाक की सैर कराता, जुल्फों में फूल लगाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। दिन में सौ फेरे तेरी गली में लगाता, सौ फेरे तेरी गली में लगाता, तेरी खिड़की के नीचे आके सीटी बजाता, कभी आता कभी जाता तुझे इतना सताता, जीना मुश्किल हो जाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। सुन ओ शहजादे तू जो होती शहजादी, सुन ओ शहजादे तू जो होती शहजादी, अब तक हो जाती तेरी मेरी शादी, तेरा घूंघटा उठाता तुझे आंखों में बसाता, तुझे सारी रात जगाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। नहीं तो मैं ही लड़की होती, या दोस्त नहीं तो मैं ही लड़की होती, तेरे प्यार में हंसती तेरी याद में रोती, तुम्हारे दुहाई होती मेरी रुसवाई होती, बड़ा शर्माई होती अगर मैं लड़की होती, हाय अगर मैं लड़की होती, हाय हाय अगर मैं लड़की होती, अगर मैं लड़की होती। ए लड़के मियां बाहर आइए, अब कैसी तबीयत है? हाँ अरे तुम रो क्यों रही हो? एक मजबूर लड़की रोने के सिवा और कर ही क्या सकती है। मजबूर? तुम कौन हो, क्या बात है? एक बेसहारा जो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़का बने घूम रही है। ओ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाता हूँ, जब तक तुम हमारे साथ रहोगी देवी बनकर रहोगी, जिसकी पूजा हो सकती है हाथ नहीं लगाया जा सकता। शुक्रिया। अच्छा देखो तुम्हारे ट्रक में कपड़े पड़े हैं ना, तुम जाकर कपड़े बदल लो। जाओ। लेकिन तू
अब पुलिस के अंदर सवारे करते हैं यार, माल भरे ना, कोई गड़बड़ हो गई, वाना हो गया तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ध्यान से रहना। जा यार जा, हम चलते हैं। जा यार तू जा। बेटा ये रहा कमरा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है ना जी। ये भी कोई रहने की जगह है? बहू रानी, आज तक किसी मियां बीवी ने शिकायत नहीं की, बल्कि जो भी यहाँ रहे भगवान की दया से 10 महीने में ही उनके गोद में लल्ला खेलने लगा। अच्छा अच्छा आराम करो आराम करो। क्यों जी, आप अपने आप को समझते क्या है? क्या हुआ? वो बुड्ढी हम दोनों को मियां बीवी कह गई और आप देखते ही रह गए। वक्त पर लोग घरे को भी बा बना ले। अगर तुम चंद घंटों के लिए मुझे अपना पति समझ लोगी तो कुछ हर जाए? क्या कहा? कुछ गलत कह गया क्या? जी नहीं। अगर मैं ये कहता कि हम लोग कुंवारे हैं तो ये बुढ़िया हमें घर से बाहर निकाल देती और फिर परदेश में सड़क पर एक हसीन लड़की के साथ सोने में ज्यादा बदनामी की बात होती, समझ गए? जी। तो जाकर सो जाइए। मगर मैं कैसे सोऊं? क्यों, क्या हुआ? बिस्तर तो एक ही है। अरे हाँ बिस्तर तो एक ही है, तो ऐसा करो तुम यहाँ सो जाओ और मैं क्या बाहर सो जाता हूँ। ₹200 इनाम। जो शख्स इस लड़की का पता बताएगा या उसे नीचे लिखे पते पर पहुंचाएगा उसके आने जाने के खर्च के अलावा ₹200 इनाम भी दिया जाएगा। रंग गोरा, उम्र 20 साल, गर्दन के नीचे छाती के ऊपर बड़ा काला तिल, बड़ी विकट जगह तिल रखा ऊपर वाले ने। खैर, लड़की का नाम मालती, पिता का नाम बनवारी लाल, नंबर 9 शास्त्री नगर। नमक खाता है ना उसके साथ कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या तेरे को चलने का है? गाड़ी के अंदर बैठ जा, नहीं तो चलती फिरती नजर आ। नहीं नहीं चलती हूँ बाबा चलती हूँ, मगर चाबी कहाँ है? अरे गाड़ी की चाबी मेरे को दरा डाला, ये देख देख कितनी छोटी सी चाबी, और नहीं तो क्या कितनी छोटी होगी। देखो देखो चल जाएंगे। गाड़ी की चाबी, अरे ए, ए, क्या बात है, क्या हुआ? अरे यार तेरी हीरोइन चाबी लेके फूट गई। क्यों? बोली थी आज नहीं जाने का, चल जाएंगे। तो तूने उसे चाबी छीन के ली? अरे पर मैं चाबी कैसे छीनता, वो चाबी उसने इधर रख ली ना। तो यहीं ठहर, मैं भी लेकर आता। अभी ये नहीं आएगा, अभी ये नहीं आएगा। ए चाबी दो। कौन सी चाबी? मेरे पास कोई चाबी नहीं है। नहीं दोगी? ठीक है देती हूँ। चाबी दे। ला चाबी। देती हूँ। नहीं देती। Yeah.
डस गई, डस गई, डस गई, नागन सी जुल्फे तेरी, बस जान निकल गई मेरी, मैं गया हर हाय हर हाय हर हाय हर, डस गई, डस गई, बस गई, बस गई, मेरे मन में नजरें तेरी, वो बस जान निकल गई मेरी, मैं गई हर हाय हर हाय हर हाय हर, बस गई, बस गई। शर्माई देख दुहाई, ऐसे घबराई के डर गया मैं तो, मर गया तो क्या जाने, मुझे कुछ हो गया, ये गया वो गया, हर डस गई, डस गई, नागन सी जुल्फे तेरी, बस जान निकल गई मेरी, मैं गया हर हाय हर हाय सुहानी रुत मस्तानी, शाम ये सुहानी रुत मस्तानी, झूमे जवानी हो के दीवानी, मेरे पास न आ ओ हसीना, प्यारी बराती पहली मुलाकाती, छोटी छोटी राती लंबी लंबी बातें, बड़ा मुश्किल हो गया जीना, स्वर्ग होता है। चलो। लेकिन ये मेरे माँ बाप का घर नहीं है, मेरे पिताजी मरते वक्त मुझे इसके हवाले कर गए थे, मैं इसे अपने भाई के समान समझती थी, लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। ये बहाना तुम किसी और से करना, अखबार में जो फोटो छपी थी उसमें तुम्हारे पिता का नाम लिखा था, समझे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो या सच, ये अभी मालूम नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रघु कब तक भागोगी राजू से? रघु जाओ रेश करो, ये तुम्हारा इनाम है। ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और किसके साथ रहेगी? इसके बाप ने इसे मेरे हवाले किया था, मेरे हवाले किया था। बहन बनाकर रखने के लिए या मुंह का रखने? Shut up and get out! Thank you.
कब तक तुम मुझ जैसे आदमी के साथ इस तरह भटकती थी रोगी? जब तक जिंदगी का सफर पूरा नहीं हो जाता। तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी अगली पिछली जिंदगी क्या थी और क्या होगी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, और फिर मुझे आप पसंद हैं। क्या हो गया मालती? इतनी जल्दी तुम अपनी किस्मत का फैसला मत करो। मैं नहीं चाहता अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम्हारे मुस्कुराते होठों से खुशियां छीन कर इनमें आहें भर दूं। ये आज आपको क्या हो गया है? मैं खुद गर्व हो गया था मालती। तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी असलियत को भुला बैठा था। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं जानती हूं, सब कुछ जानती हूं। किसने बताया तुम्हें? है कोई? क्या कहता था वो? कह रहा था कि आप बोलो, आप फरिश्ता हैं। नहीं मालती, मैं फरिश्ता नहीं, मैं तो एक चोर, डाकू, सजा याफ्ता मुजरिम हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं मालती, मैं छोटा ही था, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, उनके गम ने मेरी मां को बीमार कर दिया। एक दिन दुनिया में पहुंच गया जहां ना कोई पुलिस होती है ना कोई कानून। मैं बदमाशों के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर पहुंचता गया, हर रोज नए जुर्म करता गया, और आखिर में एक ऐसे आदमी के चुंगल में फंस गया
जिसकी नजरों में इंसान की जान की कोई कीमत न थी। You too, darling. See you later. Bye-bye. शिकारे, क्यों बॉस? कोई नया शिकार आया है क्या? हाँ रघु, कल मशहूर ठेकेदार लल्लू राम बैंक से 5 लाख रुपया निकलवाकर डैम पर मजदूरों को बांटने के लिए धर्मपुर जा रहा है। वो रुपया मजदूरों को नहीं, हमारे बॉस के पास आना चाहिए। That's it, my boy. Done, boss. अरे वाह, भाइयों, आप लोग शोर मत मचाइए, ना असली है ना डुलिए, समझे? क्योंकि लड़ाई का सीन है, असली गोलियां चलेंगी, कहीं आप लोगों का हो जाए। आज क्या करेंगे फिर? एक से 5 लाख रुपए बैंक से लेकर आ रहा है, डाकू लोग उसका रास्ता रोकते हैं, रास्ता रोक कर उसके टायर को गोलियां मारकर पंचर कर देते हैं, उसके बाद वो रुपए लेकर नो लोकेट हो जाते हैं, समझ गए? गाड़ी आ रही है। सेठ जी, आप सोइए, आपके पलंग के पास पुलिस का पहरा रहेगा। वीर सिंह जी, उसको तुम सेठ साहब के पलंग के पास पहरा दो, बाकी सब बाहर आएंगे, और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जी उसको सेठ जी, आप आराम से सो जाइए। मुझे तो ये पुलिस जैसा नहीं लगता, मुझे शक है कि कहीं पुलिस के भेष में डाकू ना हो। भगवान न करे अगर आप सो गए तो ये आपका गला न घोट दे। तुम ठीक कहते हो जी। इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है सेठ जी? बात कुछ ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि आप सब पुलिस वालों को दरवाजे के बाहर रखिए। आप कहीं डरेंगे तो नहीं सेठ? मैं कैसे डर सकता हूँ? अरे जब तुम लोग सब नजदीक रहोगे तो मैं कैसे डर सकता हूँ? लेकिन एक बात है, मैं नींद में खुर्राटे लेता रहूंगा, और जब तक खुर्राटे की आवाज आती रही तो समझ लेना सब कुशल मंगल है, और जहाँ खुर्राटे की आवाज बंद हो गई समझना मुसीबत की घंटी बजना शुरू हो गई। तो ठीक है, अच्छी रही।
खर्राटे चालू जोर से खर्राटे बंद किए या शोर मचाया तो गोली मार के टुकड़े बाहर निकल बंद किए तो तुम्हारी दौलत के साथ साथ तुम्हारी जान समझे।
पीने का जमाना आया वाह 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 मुझे पीने का जमाना आया वाह 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 पीने का जमाना आया वाह 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 पीने का जमाना आया वाह 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 मालती दौलत अय्याशी और ऐशो इशरत के सामान मेरे कदमों में थे। दुनियावी चीजों की ऊपरी चमक दमक ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं पहचान न सका ये सुखी आराम कितना खोखला है। और इस तरह की जिंदगी के रास्ते पर जो गलत कदम मैं एक बार रख चुका था उसे लौटाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। झूठा सुख, झूठी तसल्ली, सर से पैर तक बनावटी जिंदगी का वो घरौंदा पानी का एक बुलबुला था जो वक्त की एक थपेड़ से उलट गया। फिर जिंदगी की असलियत मेरे सामने आ गई। ये है वो कमरा जिसमें माँ बच्चे के साथ सोई हुई है। बच्चे को उठाकर यहां से लाना है। बस यही हमारी स्कीम है। रघु, इतने बड़े बड़े ढाके मारने के बाद एक मामूली काम से घबरा रहे हो? मैं काम से नहीं घबरा रहा बॉस, लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना बड़ी बेरहमी है। ओ कमान, हम बच्चे को हमेशा के लिए थोड़े जुदा कर रहे। जागीरदार से मुंह मांगी दौलत लेकर बच्चा हमने वापस कर देंगे, बस चंद दिनों की तो बात है। अगर जागीरदार ने रुपया न दिया तो? औलाद से बढ़कर दौलत नहीं होती रघु, मुझ पर भरोसा रखो। दौलत मिलते ही हम बच्चा जागीरदार को वापस लौटा देंगे। हमने बच्चे को क्या करना है, उसे पालना है क्या? ये काम कब करना होगा? आज। अंधेरी रात भी है और जागीरदार भी घर से बाहर है। डन डन, दैट्स इट बॉय। ओके बॉस। मैं ऐसी दौलत को ठोकर मारता, मैं कहता हूं बच्चा मुझे दो।
बच्चा वापस लेकर आ गया। मुझे माफ कर दो बहन, आंखें खोलो बहन। तुम इस तरह आंखें फेर कर नहीं जा सकती। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों मुझे अपने गुनाहों की आग में जलने के लिए छोड़कर चले? क्यों छोड़कर चले? क्यों छोड़कर चले? तुम तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे दो दो, मुझे मारो, मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं। मैं मुझे इनकी मौत के कारण मैं मुझे सजा दो इंस्पेक्टर। डालो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कानून की सजा तो खत्म हुई, लेकिन मेरी आत्मा आज भी मुझे सजा दे रही है। मैं अपने गुनाहों की आग में चल रहा हूं। गुनाहों पर पछताना ही सबसे बड़ी माफी है। ये सब कुछ सुनने से पहले मैं आपसे सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब मैं आपकी पूजा करती हूं। मालती, अरे अरे अरे, अरे देवी, तू मेरे को इतना बता डाल, तू इसका मूर्ति कौन से मंदिर में रखने वाली है? मैं इसको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाता हूँ। अरे यार, तू मेरे को छोड़कर मत जाया कर। और हे बिड़ू, हम तेरा प्यार मोहब्बत का बात सुन ले रहा है। तू बहुत कायदे कानून का बात करता है, ये बेकायदा बात है, बिल्कुल गलत है। अभी तुम दोनों शादी कर डालो। क्या तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ देख डालूंगा। क्या तू चल 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 मार काय को रही है? अरे तेरे वास्ते खुशखबरी लेकर आया हूँ। सच्ची? जल्दी बोल। ये देख, अपन रघु और मालती की शादी करा डालते हैं। अरे वाह, क्या खुशखबरी लाया है रे। भला बता, इसमें हमारा क्या फायदा? अरे एक शायर शेर बोले ला है, कर भला सो हो भला। अपन वो दोनों का भला करेंगे ना, तो अपनी भी शादी हो जाएंगी दोनों की। अरे फिर तू होगी ने मैं होऊंगा, ने दिन दशहरा हो जाएगा ना अपनी रात दिवाली की माफी चक 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 हो जाएगी। अरे चक चक के बच्चे, तेरी खोपड़ी में बात क्यों नहीं आती रे? तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी माँ और मेरी माँ मेरी तेरी शादी नहीं होने दे। अरे रहने दे रहने दे। अरे तू देखना, तेरा ये ड्राइवर है ना, शेर का माफी खाएगा, ने अपनी बेबी ऑस्टिन को दुल्हन बनाकर ट्रक में बिठाकर बाहर से ले जाएगा। क्या पर तू एक काम कर डाल, तू किसी तरह भी मेरी सास को पटा डाल, ने मैं तेरी सास को पटा डालता हूँ। मेरी तो मुश्किल की बात है। अरे क्या मुश्किल की बात है, दोनों खटारों को बिड़ा डालने का है बस। अरे ए माँ, बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ा घोटाला हो गया माँ। अरे काई गड़बड़ हो गई, मुझसे तो बोल। रघु और मालती की शादी हो रही है। तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आज के जमाने में आटा और चावल ढूंढने नहीं मिले, छोकरियाँ एक ढूंढो हजारों मिल जावे। अरे माँ, तेरे तो भेजे में बात ही नहीं आती है। अरे वो मालती है ना, वो बंसरी की सहेली है। किसकी? बंसरी की। और मालती की शादी में बंसरी की माँ का खर्चा कर रही है। कमीनी, छिप छिप कर ब्याह का इंतजार कर रही है। हाँ माँ, देखो ना, शनिवार ने अपनी माँ की जनी हुई नहीं अगर इसके मुकाबले एक के दस नहीं खर्चा किया। बिल्कुल ठीक है माँ, लेकिन देख बेटा, तू मुझे गुस्सा मत दिला। रघु की शादी में जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी, तू जाके रघु को बुला ला, जल्दी कर। अरे अरे माँ, अरे मेरी माँ, जिंदाबाद। वो पैसे कहाँ से आएंगे माँ? इज्जत से भरकर पैसा नहीं, नहीं तो जाके मालती को बुला ला, आज से मैं उसकी माँ हूँ। शुभ मुहूर्त बीत रहा है, वर और कन्या कहाँ हैं?
पर अंदर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। और कन्या कहाँ है? वो भी अंदर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठहरो, कन्या पर राहु और केतु भारी हैं, तुम उसे लेकर नहीं आओ। विवाह अशुभ हो जाएगा और कन्या जीवन भर दुख उठाएगी। हाय दैया, पंडित जी, ये आपने क्या कह दिया? घबराओ नहीं, उधार के लिए मैं दो पुजारिन साथ ले आया हूँ। ये मंत्र पढ़कर राहु और केतु को भगा देंगी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, कन्या को लेकर हम आते हैं। पधारिए पधारिए। मकान उधर थोड़ी जाओ, मैं हमारे घर को जाऊंगा। अब आप लोग बाहर पधारिए, कन्या को हम लेकर आते हैं। अरे पन, अभी तक वो क्या कर रहे उधर? आती होगी, समझता क्यों नहीं रे, नई नवेली दुल्हन है, शर्माती होगी ना। अरे अभी शर्म गिरम में क्या रखेला है, मैं लेकर आता हूँ। अरे रे, गाड़ी क्यों रोकी? हुजूर माई बाप, कल्लू की माई का पूरा दिन हुई गवाह है। हम पहले से कहते रहे, दो दिन पहले बताइयो, अस्पताल 400 दूर है। लेकिन ये औरत जात ऐसी होता है कि हम कहा बताए। आज सवेर सवेर उठकर चिल्लाने लगी, वही दर्द होता है, वही दर्द होता है। क्या वक्त हो? हम वक्त नहीं बाबू जी, हम ठीक ठीक कहते हैं। कल्लू की माई नहीं चल सके, वो कहता है हमारे प्राण निकल रहे, हम नहीं चल सके। और आने वाला कहता है हम नहीं रुक सकते, हमारी मदद करो बाबू। कल्लू की माई को ले चलकर अस्पताल छोड़ो, हम तो हार एहसान कभी नहीं भूले। कल्लू का भैया हुएगा ना, हम वो का नाम तो हार नाम पर रखे। कहाँ है तुम्हारी बीवी? अरे ओ कल्लू की माई, तू वही वही क्या करत है? तो हर वही वही सुनकर हमारे कलेजा में छुर्री चलता है, छुर्री। ये देख भोला मानस आए हैं, ये हमारी मदद कर रही, ये देख यहाँ हो बहन, हमारी मदद करो, हमारे कल्लू की माई को उठाई के ट्रक में रख दे। संभाल के ले जाओ। अब क्या हुआ कल्लू की माई, काहे चिल्लात हो? अरे हर जाई, अरे कहत रहे 12 बहुत हुई गवाह, अब 13वां का जरूरत नहीं हो, पर तू ना आना। अरे मुंह देखा तो उठा। अरे आ रहा हो आदमी, आ कल्लू की भाई आदमी, अरे आ रहा हो आदमी। Thank you.
यस बॉस, अब तो वो सुहाग रात भी मना रहा होगा। यस बॉस। राजू, रघु ने हमें दावत तक नहीं दी, वो हमारा दोस्त है, है ना? यस बॉस। बधाई देने के लिए हमें वहां जाना चाहिए, समझे ना? अच्छी तरह समझ गया बॉस। इडियट, चलो थोड़ा। अरे पार्टनर, अभी तेरा तो काम पड़ गया यार, अभी मैं भी जरा पटापट पटापट मंत्री को ढूंढेगा। अरे पट 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 पट। शरीफों का मोहल्ला है, चोर डाकुओं का अड्डा नहीं। हाँ क्या कहा? अरे मुए मार मार के तेरा मुंह बिगाड़ दूंगी जो मेरे घर को चोर डाकुओं का अड्डा कहा। सच्ची बात तो कड़वी लगती है काकी, लेकिन जिस आदमी को घर में रखे हो वो डाकू है, और डाकू शरीफ आदमियों के मोहल्ले में नहीं रह सकता। आखिर हम भी तो बहु बेटियों वाले हैं। ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, अगर तुमने उसे घर के बाहर नहीं निकाला तो हम पुलिस चौकी जाएंगे और उसके साथ तुम भी जेल जाओगी। काकी सुन लिया? हाँ। काकी के भतीजे, जेल जाएगी तेरी माँ। रघु चोर नहीं है, वो शरीफ आदमी है, ट्रक चलाता है। इससे पहले तो डाकू था, कई बार जेल जा चुका है, न जाने कितने घर बर्बाद किए हैं इस बदमाश ने। ये सब झूठ है। ये सच है काकी। सुन लिया काकी? रघु। हाँ काकी, ये सच है, मैं चोर डाकू और बदमाश था, लेकिन मैंने अब सब बुरे काम छोड़ दिए काकी। हाँ हाँ, 70 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तुम किसकी चोरी हुई है? चोरी किसी की नहीं की है, मोहल्ले वाले नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे, इसलिए जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये मेरा इलाका है और जरा भी कोई गड़बड़ हुई तो पाताल तक नहीं छोड़ने का। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं आता, मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए। तजुर्बा ये कहता है कुत्ते के दुम को 12 साल ललकी में रखो, जब निकालो टेढ़ी निकलती है। बहरहाल तुम कहीं भी रहो, पता है चौकी में लिखा देना। तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम इस देवी का तो ख्याल करना चाहिए। दुनिया तुम्हें हमेशा इसी तरह ठोकरे मारेगी, इसी तरह जलील करेगी। तुम मुझे लोगों से जलील करवा कर ये समझते हो कि मैं तुम्हारे पास रहम की भीख मांगने आऊंगा? लेकिन बॉस, ये तुम्हारा ख्याल है। रघु मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, समझे? चलो मालते। रघु, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल वो नहीं जिधर तुम जा रहे हो। मुझे अपनी मंजिल का पता है। जाने दो। बॉस, बॉस। देखने वालों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करें। ये क्या कर रहे हो? फूलों की डाली में चुन रहा हूं।
मौसम में। तूने खाना खाया? चल मैं खिला दूँ। मैंने भी नहीं खाया। पंकु, मम्मी को आवाज दो। क्या आवाज दूँ? ए मालती पालती खाना ला। ए मालती पालती खाना ला। अच्छा दादी माँ ला रही हूँ। क्या? अरे जल्दी लाना बहुरानी। ए जल्दी लाना बहुरानी। खूब बदतमीज बनाओ, ससुराल जाएगी तो बाप का नाम रोशन करेगी। अरे जिस घर में जाएगी मेरी लाड़ो, घर रोशन हो जाएगा। क्यों बेटा? हाँ रोशन हो जाएगा। अच्छा बाबा रोशन हो जाएगा। चलो खाना खा लो। मुझे बंकू खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? मम्मी यहाँ बैठेगी तो बंकू खाना खाएगा। बैठो। अच्छा बाबा बैठ जाओ ना, कमाल है। अच्छा ये लो, चलो अभी खाओ। ये डैडी का हिस्सा, ये मम्मी का हिस्सा, और ये बंकू का हिस्सा। अच्छा बंकू, अब डैडी काम पर जाएगा। नहीं, पहले डैडी मम्मी बंकू को किस करेगा, फिर काम पर जाएगा। अच्छा बेटा चलो उठो, ये लो। नहीं, दोनों एक साथ, हम वन टू बोलेगा फिर। अच्छा बाबा जल्दी बोल वन टू। गंदी कहीं की। ए पार्टनर, आंखी खोलू के बंद रखू बाबा? अरे क्या यार पार्टनर अंधाधुन। ए बिड़ू, ओवरटेक करने से पहले देखभाल आ करना कि रोड क्लियर है कि नहीं। अबे तू इस वक्त कहां से आके टपक पड़ा? लो भूल गए हो अपने को मारवाड़ी के पास नहीं जाने का है? वो क्या बात किया अपन, वो हिंसा में। अरे बाप रे मैं तो भूल गया। चल चल चल। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, बैठो। सच कहूं रघु, तारे को देखकर मने बड़ा आनंद आवे। रघु तू बड़ा नसीब वाला है जो मेरे पास आया, और किसी के दरवाजे जाता तो तेरा खून चूस लेता। सेठ जी, आपने जो मुझ गरीब पर एहसान किया है उसका बदला भगवान आपको जरूर देगा। अरे मने बदले की जरूरत नहीं, ये तो मेरा धर्म होवे। आप जैसे महात्मा आदमी इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। लीजिए आपके इंस्टॉलमेंट लीजिए। अरे ये अपने पास रख, मने अभी इसकी जरूरत नहीं। सेठ जी पांच इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक एक पैसा तक नहीं लिया। ले लूंगा, जल्दी क्या है, अभी तो मौज मजा कर ले, घर बार बसा ले। तारे के तो मैं अपना आदमी समझू, पैसा हमारा कहीं भागे जावे क्या? लेकिन सेठ जी कर्ज अदा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ। यही तो मैं चाहूंगा। पैसे की फिक्र मत कर, जा अपना काम कर जा। अच्छा सेठ जी जैसे आपकी मर्जी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेठ। बॉस से जाकर कह दो अब वो मेरी मुट्ठी में है, उनका हुक्म मिलते ही मसल कर रख दूंगा। ओके सेठ जा। किधर डरता हूँ मैं तो तेरे वास्ते मालूम है। अब से तू कौन? प्लीज क्यों डर गया ना? मस्करी करती है। अरे अभी तेरे को मैं कैसा बोलूं, मेरे सीने के अंदर आशिक का नरम नरम दिल है, तारा सिंह पहलवान का कड़क दिल तोड़े है, और तेरी माँ बाप रे उससे तो यमराज भी डरे लाए, तेज करके नीचे नहीं उतर रहे लाए। ए, 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 भद्री मेरे को सच्ची सच्ची बोल, तेरी माँ कभी तक आएगी? नहीं बताती। ए बोलना। बंसरी, अरे दरवाजा खोलना बतिया, क्या कर रही थी मैं?
सो रही थी, शिशु का सोने का टाइम है। माँ ये क्या कर रही हो? अरे भाई आटा डाल रही हूँ। आटा में आटा डाल। माँ सुबह डाल लेना, वो इसमें बहुत कचरा है ना। मैं सुबह से डाल रही, मैं सुबह से साफ कर चुकी हूँ। ला माँ मैं डाल देती। अरे नहीं मैं डालूंगी, तू क्या डालेगी? मैं आटा डालूंगी। आटा आज तक तो कभी काम किया नहीं। आज आटा डालूंगी। अरे बदमाश तुम पढ़ता है? छुट्टी हो गई, अब हम हमारी बेटी का नाम कॉन्वेंट में लिखवाएंगे। अच्छा तो इसलिए हमारा बेटा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है? आज हमारे बंको का बर्थडे है। देखो दादी तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। बंदूक है, ये दो एरोप्लेन। हाँ बेटा ये सब तेरे लिए। आज हम हमारे बंक को नया होटल में लेके जाएगा। कौन सा नया होटल? हमारे सेठ जी है ना, लॉरी वाले सेठ जी, उन्होंने नया होटल खोला है। उन्होंने हम सबको बुलाया। चलो चलो जल्दी करो, चलो 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 तैयारी करेंगे। चलो बैठो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, कैसे हो रघु? ठीक हूँ मालती। इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी है। बड़ी प्यारी बच्ची है। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते अंकल। दिखी रहे हो। ऐसा करो मालती, तुम बंकू को लेकर चलो, मैं भी आता हूँ। चलो। लगता है तुम कुछ सुधर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है आप जिंदगी भर मेरी शक भरी निगाहों से देखते रहेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेचारी ने हैंडबैग यहां रखा था, किसी ने साफ कर दिया। बेटी उसी की तुम बनाओ। अरे वाह दूची, दूची। नमस्ते। नमस्ते। हेलो बेबी। हेलो। आप बैठिए। हाँ। मैं आती। बैठिए ना कुर्सी पर, कुर्सी पर। हाँ बेबी क्या लिख रही हो? लिख नहीं रही हूँ, पिक्चर बना रही हूँ। किसकी पिक्चर बना रही हो? पूसी पूसी लिटिल कैट की, ये देखो। ओफो वेरी गुड। अंकल आप भी घोड़े की पिक्चर बनाइए ना। बेटे हमको तस्वीर बनानी आती नहीं। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी कोशिश कीजिए ना, ट्राई 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 मारिए। अरे वाह बाप क्या धासू पिक्चर है, क्या पेंटिंग मारे लाए। अंकल का आर्ट की फोटो बनाने ना याद
इंस्पेक्टर साहब आप बंकू ने इंस्पेक्टर साहब को घोड़े का फोटो बनाने को बोला था, इन्होंने गधेड़े का फोटो बना डाला। टाइगर बेबी को लेकर अंदर जाओ। इंस्पेक्टर साहब कैसे तकलीफ किया आपने? क्यों आने में कुछ हर्ज है? आप आए बड़ी मेहरबानी, लेकिन बड़े लोग बिना काम के कहीं आए जाए नहीं करते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता जाऊं। और हाँ कल रात को तुम पार्टी से कब चले आए? आते वक्त मिले भी नहीं। बेबी को नींद आ रही थी इसलिए प्रोग्राम अधूरा छोड़कर आना पड़ा। तो तुम वहां नहीं थे जब चोरी हुई थी? जी चोरी? हाँ एक किसी औरत का पर्स गायब कर दिया, मैं समझता था तुम ही वहां के लिए थे। इंस्पेक्टर साहब जिंदगी के जिन लम्हात को मैं भूल चुका हूं आप मुझे वही याद दिलाया करते। आप क्या समझते हैं मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर वहां डाका डाले गया था? मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी आप मेरा दामन नहीं पकड़ सकेंगे। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। क्या पकते हो? बॉस ने माल हमेशा वक्त पर दिया है, रब भी देगा। राजू आज मुझे उस सेठ की बातें सुनना पड़ी। हल्दी मिर्च की पूड़ियां बांधने वाला वो सेठ जो मेरी वजह से करोड़पति बना आज मुझे ही आंखें दिखा रहा है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द तुम जैसे निकम्मे और बेवकूफ लोग मौजूद हैं। मेरा रघु मेरे पास नहीं। लेकिन बॉस अब रघु का यहां आना नामुमकिन है। रघु तो क्या रघु का बाप भी आएगा। चलो मुझे उसके घर ले चलो। दरवाजा खुला है। हाय शिकारी हाय। हेलो हाउ आर यू अरे हमें बैठने के लिए नहीं कहोगे? कल हम खुद ही बैठ जाते। यहां आने की तकलीफ कैसे की? तुम्हारी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई। तुम्हारे बारे में सुनकर के तुम सुखी हो हमें बहुत खुशी हुई। क्यों राजू? ऑफ कोर्स बॉस। रहने के लिए घर, साथ देने के लिए वफादार बीवी, दिल बहलाने के लिए खूबसूरत बच्ची और माल कमाने के लिए नया ट्रक। बॉस अगर मुझे भी रुपया कर्ज पर मिले तो एक क्या वैसे 10 ट्रक मैं भी खरीद सकता हूं। बकवास बंद करो। रघु क्या ट्रक तुमने कर्ज लेकर खरीदा है? कर्ज देने वाले पर लानत भेजो। ये लो रुपया, कल ही उसका हिसाब चुकता कर दो। मुझे रुपया नहीं चाहिए। रघु अगर दूसरों से कर्ज ले सकते हो तो मुझमें क्या बुराई है? क्योंकि आपका सूद मुझे महंगा पड़ेगा। तुम सूद की बात करते हो, मैं तो असल भी नहीं मांगूंगा। मैं तो चाहता हूं तुम जहां भी रहो खुश रहो। तुमने इनकार किया हमने मान लिया, और फिर तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छी है, किसी को शक भी नहीं हो सकता। शक कैसा? अरे यार इतना भी नहीं समझते? बॉस का मतलब है रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। राइट। शरीफ बने हो तो बने रहो, कभी कभी हमारे लिए साइड बिजनेस कर लिया करो, तुम भी खुश हम भी खुश। बॉस वो कुत्ता मर चुका है जो आपके हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर दुम मिलाया करता था। रघु कौवा अगर हंस की चाल चले तो वो हंस नहीं हो जाता। लेकिन तुम तुम जैसा नमक हराम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जिसके टुकड़े तोड़कर पड़ा हुआ उसको आग दिखाता है। अपनी नसीहत मत भूलो, होश में हो, मैं यहां तुमसे झगड़ा करने नहीं आया।
फिर आप यहाँ क्या लेने आए? मैं आपसे पहले कह चुका कि आपका मेरा रास्ता अलग है। मैं फिर से चोरा डाकू बनना नहीं चाहता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस चार दीवारी में फिर कभी आकर मुझसे ऐसी बातें ना कीजिएगा। मैं नहीं चाहता मेरी पिछली जिंदगी के बारे में मेरी मासूम बच्ची को खबर हो। मैं उस पर अपने गुनाहों का सहारा भी नहीं पड़ने देना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूं, लेकिन याद रखना रघु, अगर मैं सुखी न रहा तो तुम भी सुखी न रह सकोगे। मालती, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और बंको? वो सो रही है। मैं तो इसे यहाँ देखकर बहुत डर गई थी। तुमने मेरे सिंदूर की आग लगा दी है। मालती, मालती। अबे टाइगर चाबी ले ली ना? अरे वाह, कैसे? फेजी, नमस्ते। आइए आइए आइए। मैं नमस्ते वमस्ते कोई न जानू, मरे तो पैसा चाहिए पैसा। सेठ, देखिए सेठ जी, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, एक एहसान और कीजिए, मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका सब रुपया चुका दूंगा। तू 10 दिन कहे है, मैं तो 10 मिनट ना रुकू। देखो सेठिया, तुम रॉन्ग साइड पर जा रहे हो। चुप रहो टाइगर। देखिए सेठ जी, ये आपको हो क्या गया है? हम हमेशा आपके पास इंस्टॉलमेंट लेकर आए और आपने ली नहीं, और अब आप कह रहे मेरा पैसा मांगू न मांगू तू पूछने वाला कौन है? तेरी गाड़ी की मुझे जरूरत नहीं है, वो तो गोदाम पे खड़ी रहेगी। तू माल लेके आ और राजा बन के गाड़ी लेके जा। बोला ना, गाड़ी स्टार्ट करो। सेठ जी, मेरे हाल पर तरस खाइए। भूख नहीं आने तो वो भी खा लेता। तू देख क्या रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर। ये गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी सर जी। तू मने ऑर्डर दे रहा है? चुप, हैंड्स अप, मैं गोली मार दूंगी। ठा 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 ठा, गोली मार दूंगी। हाँ, बाप का असर तो आवे ही आवे, चोर की बेटी गिरक के। चुप हो जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या, मने मारेगा। बंकू को लेकर अंदर जाओ। बोल सेठ, अब बोल। खड़ा हूं तेरे सामने, मारना मने, मारना। मारूंगा नहीं, गर्दन मरोड़ दूंगा। दिखा मत डालूंगी, मार डाल मुझे। अरे जा रहे सेठ यार, तू गए तो झमेला खड़ा कर रहेगा यार। चल चल चल। क्या झगड़ा है? ये एक बहादुर पैदा हुआ जो सबको जान से मार देगा। सेठ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैंने कुछ झूठ बोला है? इंस्पेक्टर साहब, अपना पैसा मांगा है। तो इसकी बेटी बोली गोली मार दूंगी, तो मैंने कहा चोर की बेटी गिरा कर। सेठ, फिर कहता हूँ मुंह बंद रखो। अरे मेरा क्या, सारी दुनिया बोल रही है, किसका किसका मुंह बंद करोगे? सेठ, चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इससे कहिए मेरे पैसे दे दे, फिर मैं अपना मुंह काला करता हूँ। इसके बाद ना इसकी मैं सूरत देखूंगा, ना अपनी सूरत दिखलाऊंगा। डाकू, इनके पैसे कब दोगे? इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी जानबूझ के मुझे बर्बाद करना चाहता है। जब मैं इसको पैसे दे रहा था तो लिया नहीं, और अब मैं 10 दिन का टाइम मांगता हूँ तो मानता नहीं है। क्या? नहीं, मैंने तो सुबह 10 बजे कौड़ी कौड़ी चाहिए, वरना इस ट्रक पर कानूनी कब्जा कर लूं। चलो डाकू, होश में रहो, वरना हवाला सर करनी पड़ेगी। गुस्सा करता है। आप क्यों
परेशान होते हैं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती, मुझे ट्रक की फिक्र नहीं है। मैं तो कहीं भी मेहनत मजदूरी करके दिन काट सकता हूँ। मुझे दुख है तो सिर्फ एक ही बात का कि आज मेरी बेटी को पता चल गया कि उसका बाप एक चोर और डाकू है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? वो तो नादान है, बच्ची है। कल तक तो उसे इतना भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था। अरे यार भाभी बिल्कुल बरोबर बोल रही है। तू खाली पीली को मगज में ये बात काहे को बिठा रहा है? चल जल्दी यार, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जा। कब तक वापस आ जाएंगे? माल पहुंचा कर मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। डार्लिंग, हम रघु को जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो हमेशा हमारे कदमों में रहे। आई एम रेडी बॉस। राजू, सेठ का कत्ल तुम करोगे। कानून की नजर में कातिल रघु ही होगा। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, हम उसे यहां ले आएंगे और फिर दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए। क्या है? रघु की तस्वीर। गदा रघु नहीं, गदे तुम हो। ये कागज कोट की जेब में रखो और देख लेना यही गदे की तस्वीर क्या रंग लाती है। तुम्हारे लिए बंद हो चुके। किसने बंद की? पुलिस ने। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? रात को तुम्हारे ट्रक वाले सेठ का कत्ल हो गया है। कत्ल हो गया? किसने किया? तुमने। मैंने? ये मैं नहीं रघु, पुलिस कह रही है। ओ, तो इसलिए आप मुझे घर जाने से रोक रहे हैं। लेकिन बॉस, जब मैंने किया ही कुछ नहीं तो मुझे डर किस बात का? तुमने किया हो या ना किया हो, लेकिन रघु, अगर फिर से गिरफ्तार हो गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो। अब तुम सिर्फ एक चोर ही नहीं, खूनी भी हो। मैं इस खून की असलियत समझ गया बॉस। मुझे फांसने के लिए आपने उसका खून कर दिया। अफसोस, आपकी कोई भी तरकीब मुझे फांस नहीं सकती बॉस, समझे? रघु, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं मानती। इंस्पेक्टर, मेरा कसूर क्या है? सेठ धनीराम का कत्ल हो गया है। मैं इस वक्त शाहपुर से आ रहा हूँ और शाहपुर यहाँ से 120 मील दूर है। इंस्पेक्टर साहब, आज तक कोई रिवॉल्वर या राइफल ऐसी नहीं बनी जिसे 120 मील से फायर किया जा सकता है। हो सकता है,
लेकिन कुछ सबूत ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं। पनाह, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चलता। नहीं नहीं, ऐसा जुलम न कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ना है तो भगवान के आगे जोड़ो, इंसान के आगे नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है मालती, हिम्मत से काम लो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। टाइगर, पंकु और मालती का ध्यान रखना। अच्छा चलिए इंस्पेक्टर। सर, ये मेरे सामने की बात है। कत्ल की रात से एक दिन पहले रघु ने सेठ धनीराम को धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि कातिल रघु है? ये कोर्ट जो कि नौकर ने कातिल से छीना। कोर्ट तो बदला भी जा सकता है। यस सर, लेकिन ये तस्वीर जो कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाकर रघु के बेटे को दी थी, इससे साबित होता है कि कोर्ट उसी का है। हवलदार सर, मालिक भेजो। मालिक सर, ये वो आदमी है जिसने कातिल को पकड़ा। तुमने कातिल की सूरत देखी थी? जी हजूर, बैटरी की रोशनी में मैंने बिल्कुल साफ उसकी सूरत देखी थी। तुम कातिल को पहचान सकते हो? जी हाँ हजूर, मैंने तो उसे इन हाथों से पकड़ा था। चलो मेरे साथ। देखो इनमें पहचानो वो कौन है जिसने तुम्हारे मालिक का खून किया था। इंस्पेक्टर, आदमी को देखा भी है? बकवास करते हो। इंस्पेक्टर, तुम इसको बहकाने की कोशिश मत करो, ये असूल के खिलाफ। सॉरी सर। तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि वो कातिल इनमें नहीं है? जी हुजूर, वो खूनी इनमें नहीं है। सर, शाहपुर से इंस्पेक्टर वर्मा का फोन था, मुल्तिन दास के 12 बजे वाहन था, डिलीवरी बुक पर उसके सिग्नेचर भी है। ठीक है, इन सबको छोड़ दो। रघु, तुम अपने घर जा सकते हो। रात को माँ से ये कहकर जाने वाला हूँ कि मैं सेकंड शो पिक्चर जा रहा हूँ, जहन्नम क्यों नहीं जाता? तुम अपनी माँ से बहाना करके अमृत पार्क में आ जाना, आवारा कहीं का। तुम्हारा टाइगर। टाइगर कुत्ता कहीं का। मैं बताती हूँ, तेरा पार्क में मिलना, सब निकालूंगी। जहन्नम में ना भेजा हो तो कहना। कहाँ जा रही हूँ माँ? भगवान के दर्शन करने। मैं भी चलती हूँ। तू यहीं पड़ी रह, मैं चढ़ावा चढ़ा के भी आती हूँ। प्यारे टाइगर, तुम्हारी पुजारिन बंसी
मैं आज रात को माँ से ये कहकर जाने वाली हूँ कि मैं सेकंड शो पिक्चर देखने जा रही हूँ। अरे डूब मर कहीं जाके बेशरम। तुम अपनी माँ से बहाना करके अमृत पार्क में आ जाना, आने दूंगी। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे डार्लिंग। मर जा कमबख्त मर जा, जैसी माँ वैसी बेटी। मुलाकात कराती हूँ तेरी, ठहर जा अमृत पार्क में, तेरा पूरा नशा उतारती हूँ। अरे माँ कहाँ जा रहे ले? मरने। मैं भी चलूं? तू इधर ही बैठ, और जब तक मैं घर में वापस ना आऊं कहीं बाहर मत जाना वरना तेरे टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा अभी तू मेरे को हार पहना, मैं तेरे को हार पहनाता हूँ। मेरी बेबी हिंदुस्तान, अभी तू मेरे नाम पर रजिस्टर हो गई। क्या हम लोगों की शादी हो गई? हाँ हाँ शादी हो गई। अच्छा, तो मैं चली। अरे किधर चली? अरे ये कोई जोगी का फेरा था, ये तो जन्म जन्म का फेरा था। यही अभी तो अपनी पत्नी सुहागरात होने वाली है। सुहागरात? वो क्या होती है? अरे सुहागरात वो सुहागरात सुहागरात क्या होती है? चल अपन चल के देखेंगे क्या होती है। अच्छा हे भगवान थारा लाख लाख शुक्र है सत्यानाथ जाए। अरे बेटे सुने हैं तेरी माँ की क्या दिशा कर दी वो सामने वाली चुड़ैल ने। आज मुझे पुलिस थाने में भर्ती कराई कि बड़ी मुश्किल से छूट के भागी हूँ। तेरी माँ की हालत तो देख बेटे। दिन दहाड़े इसने मेरे मासूम बेटे की इज्जत लूटी। शादी मंजूर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर जिंदगी भर हमारे पीछू पीछू भागते रहना। तो चल अरे पीछे भागो। अरे पिल्ले में जीते जी तुझे जिंदाने छोड़ूंगी। मुझे बर्बाद मत कर, मैं भाग नहीं सकती। भाग चल नहीं से दम लगा। यस कम इन। नमस्ते मेरा नाम रघु है। मैं ग्लोरी ड्राइवर हूँ। सुना है आपके यहाँ एक ड्राइवर की जगह खाली है। सो हाँ जगह जरूर खाली है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। ये देखो हम डाकू और खूनियों को जगह नहीं दे सकते। और यह बैंक है। लेकिन मैंने वो खून नहीं किया था। लेकिन एक बार जेल तो जा चुके हो। तो क्या आप जिंदगी भर मेरे लिए एक शरीफ आदमी बनकर जीना मुश्किल कर देंगे? मेरे गुनाहों की सजा मेरे मासूम बीवी और बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। सुनो जी अपना दुखड़ा सुनाकर हमारा वक्त बर्बाद मत करो। इसे बाहर ले जाओ और फिर कभी इसे दफ्तर में घुसने मत दो। देखिए मेरी बात तो सुनिए साहब। Get out. Get out. Chick
शिकवे बुरी किस्मत के हैं बुझ दिल के बहाने इनके की तरह तुझको। ये क्या कह रहा है? ये लड़का तुम्हारे यहाँ काम करता है? अरे ये तो चोर है, डाकू है। अरे इसे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। दिल के बहाने इनके की तरह तुझको उड़ा डाला हवा ने। बन जाए तू चट्टान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था ना? मम्मी के लिए खाना नहीं, डैडी के लिए खाना नहीं, बंकू नहीं खाएगा। मेरी बच्ची, मैं तुझे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिला सकता। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप दिल क्यों छोटा करते हैं? भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो, इस संसार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हर दुख के बाद सुख और हर रात के बाद उजाला होता है। मेरे नसीब पर जो रात छाई हुई है उसका कोई सवेरा नहीं। मुझे उसी दुनिया में जाना होगा जिस दुनिया से मैं आया था। नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा लफ्ज अपनी जबान पर मत लाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रही है। दुनिया जो कहती है कहने दीजिए, आप वही कीजिए जो आपकी आत्मा कहती है। आत्मा की आवाज ने आज मुझे इस हालत पर पहुंचा दिया है। इंसानियत, शराफत सब बकवास है। ये दुनिया मुझे अपनाने को तैयार नहीं, तो मैं इसके पीछे क्यों भागूं? अगर ये सोसाइटी, ये समाज मुझे अपना दुश्मन समझती है तो आज से मैं इसे अपना दुश्मन समझूं। एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगी। मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें उस बुरे रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। और अगर जाना ही है तो इन्हीं हाथों से हम दोनों का गला घोट दीजिए। मालती, तुम समझती क्यों नहीं, इसके सिवा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। मौत, अगर हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते तो मर तो सकते हैं। मालती, मालती क्या हो गया, क्या हुआ? पैसे मांग रही हो होटल में बर्तन माने से कैसे मिल सकते हैं? तुम तो डांस भी जानती हो, तुम होटल में डांस कर लो, तुमको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, अगर मैं होटल में डांस करूंगी तो दुनिया क्या कहेगी? मैडम, दुनिया नाचती है होटल में, उसे उनकी इज्जत घटती नहीं बढ़ती है। लेकिन शायद मेरे पति को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगे। उन्हें क्यों बुरा लगेगा, पति सेवा तो स्त्री का धर्म है। और फिर मैंने इसलिए कहा था, आप लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई, आगे आपकी मर्जी। कहिए। ठीक है, मैं कर लूंगी। वेरी गुड, ये लीजिए 200 रुपया और कल इसी टाइम यहाँ आ जाइए। शुक्रिया। कैसी रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे मालती, डॉक्टर साहब को क्यों तकलीफ थी? मुझे बीमारी ही क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। ओके, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। बस
आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल कमजोर हो चुका है, आपको ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं कैप्सूल दे रहा हूँ, हर 3 घंटे के बाद खाइएगा और मिक्सचर आप किसी को भेजकर ले आइएगा। चलो बंकू अंदर जाओ, डैडी को आराम करने दो। ये पैसे कहाँ से लाए? मैंने एक नौकरी कर ली है, आप बीमार हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं, मैंने सोचा नौकरी करने में क्या बुराई है इसलिए मैंने कर ली। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? इसमें नाराज होने की क्या बात है, जिस घर में मर्द निकम्मा और बेकार हो जाए वहां औरतों को ही काम करना पड़ता है। आप ऐसे क्यों कहते हैं, क्या पत्नी सिर्फ सुख के साथी होती है, दुख की नहीं? नौकरी आपने की या मैंने क्या फर्क है? मर्द और औरत का फर्क, मर्द कहीं भी जाए कुछ भी करे कोई उंगली नहीं उठाता, औरत के जरा से गलत कदम उसे बदनामी की खाई में उठाकर फेंक देते हैं। आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? कैसी बातें करती हो मालती है? क्या हालत बना रखी है, मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बस भागा भागा चला रहा। शुक्रिया। शुक्रिया तो गैरों को अदा किया करते हैं, अपनों का नहीं। खैर सुनिए, मुझे सुकून चाहिए और आप लोगों के यहाँ आने से मुझे परेशानी होती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से कह चुका हूँ मैं इज्जत की जिंदगी बसा करना चाहता हूँ। तुम और इज्जत, रघु तुम्हारी इज्जत सारे बाजार नीलाम हो रही है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यकीन नहीं करते तो चलो मेरे साथ। घर से निकलते हुए पछताई।
नहीं रखना चाहता। इस दुनिया ने मुझे बहुत दुख दिया। मैं इस दुनिया को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, 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 मैं आपको इस गंदगी में नहीं जाने दूंगी। अजय, इस गंदगी से तुम वापस आई हो, उससे बढ़कर इस दलील काम नहीं है। भगवान जानता है, मैंने आपको उस बुराई से बचाने के लिए सब कुछ किया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। दुनिया वालों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया, मैं उन्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। रुक जाइए, हट जाओ मेरे सामने से मालती। आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जाइए, मैं आपको नहीं रोकती। लेकिन जाने से पहले इतना बताते जाइए, जब सुबह आपकी बेटी आपके बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मालती, जब उसे मालूम होगा कि उसका बाप क्या था और क्या हो गया है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? लेकिन इस वक्त जो मुझ पर गुजर रही है, जो तूफान मेरे दिल में छुपा हुआ है, उसे किसे दिखाऊं? मालती, मेरी बेटी से कह देना तुम्हारा बाप पाप और पुण्य की गठरी उठाकर समाज के देवताओं के पास जीने या मरने का हक मांगने गया है। अगर तो उसे जिंदगी मिल गई तो वापस आ जाएगा, नहीं तो वो फिर कभी अपना मनुष्य साहस पर नहीं पड़ने देगा। इंस्पेक्टर साहब घर में हैं? हाँ। उनसे कहो रघु मिलने आया। आप बैठिए, मैं उनको खबर करता हूँ। पिस्तौल की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसे फेंक दीजिए। पहले ही कहा था, कुत्ते की दुम को 12 साल भी नलकी में रखो, जब निकालो टेढ़ी निकलती है। क्यों आ गए अपने असली रंग पर? वो इसलिए कि आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। हमने नहीं, तुम्हारी अपनी करतूतों ने। तुम्हें तो पागल कुत्तों की तरह से गोली मार देनी चाहिए। तुम सोसाइटी के लिए नासूर हो। आग लगी आपकी सोसाइटी को। आपने और आपकी सोसाइटी ने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? मैं शराफत और इज्जत की जिंदगी गुजार रहा, लेकिन आप मुझे सुखी ना देख सके। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर खून का इल्जाम लगाया, अखबारों में मेरी तस्वीर और मेरी पिछली जिंदगी के बारे में छपवाया। आज मैं जिस तरफ से गुजरता हूँ, लोग मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। जिस जगह काम के लिए जाता हूँ, चोर समझकर निकाल दिया जाता हूँ। ये सब आपकी मेहरबानी है इंस्पेक्टर साहब, आपकी। जो जैसा करता है वैसा भुगतता है, ये कभी सोचा? जो मैंने किया वो कानून के लिए, वो मेरी ड्यूटी थी। कैसी है ये आपकी ड्यूटी, कैसा है ये आपका कानून, जिसने मेरी बीवी को भूख से बिलकती बच्ची का पेट भरने के लिए
बीमार पति की दवा के लिए बाजारों औरत की तरह नाचने पर मजबूर किया। लेकिन तुमने अपना दुखड़ा मेरे आगे क्यों रो रहे हो? इसलिए कि एक तरफ आप और आपका कानून है, दूसरी तरफ गुनाहों की वो दुनिया है जिससे मैं भाग कर आया हूं। एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई है। ना अच्छाई मुझे अच्छा बनने देती है, ना बुराई मुझे जीने देती है। बुराई को मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अच्छाई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं। बस यही कहने के लिए मैं आपके पास आया था। अगर अब भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो जिस तरह पागल कुत्ते को गोली मार देते हैं उसी तरह मुझे भी गोली मार दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गोली मार दीजिए। रघु, मैं कानून का पहरेदार जल्लाद नहीं। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मैं वो नहीं जो वो मुझे समझती है। मैं इस कलंक के टीके को मिटा देना चाहता हूं जिसे मैंने अपने हाथों से लगाया। मैं कानून का मुखबिर बनकर गुंडों की उसी टोली में शामिल होने जा रहा हूं। हो सकता है मेरे वहां पहुंचने पर वो मुझे कोई प्रोग्राम बताए। इसकी इत्तला मैं आपको फौरन दूंगा। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिए। रघु, जो तुम कह रहे हो वो करो, जो मैं कर सकता हूं करूंगा। बॉस, मैं माय शिकारी, फॉरगेट द पास्ट, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम नई जिंदगी गुजारेंगे। कौन सा बॉस, मेरे लिए कोई नई स्कीम? ऑफ कोर्स, यस। अब हमारा शिकारी आया है तो हम बहुत बड़ा शिकार खेलेंगे। रघु, तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। कल ठीक शाम के 4 बजे हम रिजर्व बैंक को लूटेंगे। रिजर्व बैंक? यस, ऑफ कोर्स। डन डन, दैट्स इट बॉय, दैट्स इट। रिचो, राजू, लंबो, अरे कहाँ हो तुम लोग? देखो रघु आया है, अपना शिकारी आया है, परदेशी देश में आया है। क्या बना रहे हो? आई लव यू।
इंस्पेक्टर माथुरिया जी, मैं रघु बोल रहा हूँ। रिजर्व बैंक? कल ठीक 4 बजे रिजर्व बैंक पर डाका पड़ेगा। मैं गैंग लीडर को भी साथ लेकर पहुंच रहा हूँ। सर, इंस्पेक्टर मातू है सर, रघु ने मुझे खबर भेजी है, मैं पूरा इंतजाम कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अब गैंग बच के नहीं जाएगा। यस सर, बॉस, बैंक के पास हमें पहुंचना चाहिए था, हम यहाँ कहाँ आ गए? जहां हमें आना चाहिए था, हम बैंक को नहीं जाने वाली ट्रेन को लूटेंगे। ट्रेन? तो फिर आपको बैंक का नाम लेने की क्या जरूरत थी? ताकि तुम इंस्पेक्टर को गलत खबर दे सको। रघु, दुनिया में सिर्फ तुम ही चालाक नहीं हो, सबका बाप ऊपर वाले ने पैदा किया है। लेकिन बॉस, नाउ लिसन, यहां से गाड़ी 4 बजे गुजरेगी, गाड़ी यहाँ पर आहिस्ता होगी क्योंकि लाइन की मरम्मत हो रही है। तुम गाड़ी पर चढ़ोगे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक मिलिट्री ऑफिसर फौज की निगरानी में सफर कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो गायब करना है, उसमें मिलिट्री सीक्रेट्स हैं। ओके, तुम इसके साथ जाओ। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी निगरानी करने के लिए। और हाँ, रेलवे पुल आने से पहले गाड़ी हर हालत में छोड़ देना, राजू इंतजाम कर रहा है, डायनामाइट से पुल और गाड़ी दोनों ही जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मिलिट्री सीक्रेट्स का क्या हुआ। याद रखना, गाड़ी के साथ साथ जीप में मैं भी जा रहा हूं। Thank you.
सब मैं बाद में बताऊंगा। बदमाशों ने पुल उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा रहा। तुम बकवास करते हो। अगले और पिछले दोनों स्टेशनों पर हमें लाइन क्लियर मिल चुकी। देखिए भगवान के लिए गाड़ी रोक लीजिए, वरना बहुत सारे बेगुनाह मासूम मारे जाएंगे। लगता है तुम चोर हो या स्मगलर। अरे क्या तुम्हें धोखा दिया। वो मुखबिर नहीं डाकू है। बैंक की खबर उसने गलत दी थी। पुलिस का ध्यान बैंक की तरफ लगाकर ट्रेन उसी वक्त लूट ली। लेकिन सर मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि रघु धोखा कैसे दे सकता है। इनफ। 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा किसी तरह भी रघु को मेरे सामने पेश करो। यस सर। यू कैन गो। भगवान अब तेरा ही सहारा है, उन्हें हर बुराई से बचाना। भगवान जी मेरे डैडी को मेरे पास जल्दी वापस भेजो। कहो बंकू उनको बहुत याद करता है। बंकू मार दे मेरी बच्ची को। अंदर कोई भी नहीं। चलो। मालती क्या हुआ? मालती क्या हुआ? बंकू को ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? जाकर पूछो अपने दोस्तों से जिन्हें तुम अपने सीने से लगाने गए थे, जिनके लिए तुमने अपना धर्म ईमान बीवी औलाद सब कुछ बेच दिया। मालती मेरी बात तो सुन। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारे दोस्त मौत बेरहम है, वो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। मैं उसे लेकर आऊंगा। जाओ तुम घर जाओ। घर? अब वो घर मेरे लिए घर नहीं है, शमशान है। जब तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिलती मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। याद रखो अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं भी जान दे दूंगी। मालती मालती मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारी वो सुनी नहीं होने दूंगा। मालती अगर बैग में भी आ तो वरना तुम दोनों के सामने उसे गोली से मार डालूं। तू इंसान नहीं शैतान है। एक माँ की कुछ सुनी करके तू कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं बेबी को वापस करने के लिए तैयार हूँ। वो देखो तुम्हारी बेबी उस कार में बैठी। ऐसे नहीं, पहले रघु बैग वापस करेगा तब तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। देख क्या रहे हैं? बैग इन कमीनों के मुंह पर फेंक दीजिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मालती मत रो। मालती मत रो। मत रो मालती। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बेबी मुझे दो और तुम मेरे साथ चलो। नहीं शिकारी, जब तक बैग नहीं मिलेगा बेबी नहीं। मालती तुम यहीं ठहरो, मैं बेबी को लेकर आता हूँ। बैग मैंने टावर के पास छुपा रखा है। चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो। अगर तुमने पुलिस में खबर दी तो याद रखना तुम्हारी बेटी तुम्हें जिंदा नहीं मुर्दा मिलेगी, और इस मांग से तुम्हें संतूर भी मिटाना। मालती
रघु कहाँ है? जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बैग ऊपर ले लो, बच्ची मुझे दो। नहीं रघु, नहीं, पहले बैग फिर बच्ची। जाओ इसके साथ जाओ। कहाँ है? बैग जिसकी अमानत थी उसके पास पहुंच चुकी है। गद्दार? गद्दार मैं नहीं, तू है। मैं तड़पा तड़पा कर तेरी जान लूंगा। बता दे बैग कहाँ है। नहीं बताऊंगा। और खून देखकर मैं डरता भी नहीं, बल्कि आज तो मैं खुश हूं कि तेरी सोबत में रहकर जो पाप की रोटी मैंने खाई थी उससे बना ये गंदा खून आज आज तेरे हाथों मेरे शरीर से बह। भी बता दो बैग कहाँ है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी में भगवान का रूप देखा है, इसलिए तुझसे भी कहता हूँ अपने आप को कर्म के हवाले कर दे।
आखिरी बार पूछता हूँ, बता दो बैग कहाँ है? जहन्नुम में अच्छी जगह है, जाओ तुम भी वहां जाओ। ये क्या हो गया है आपको? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती में वो सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, इन हॉस्पिटल ले चलिए, देखे ना कितना खून बह रहा है। बैग मिल गया। हाँ रघु, मिल गया। घबराओ नहीं बेटी, रघु को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती। मैं सोचता था जो आदमी बुरा है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन रघु ने साबित करके बता दिया कि जो अच्छा होना चाहे वो जरूर हो सकता है। कांस्टेबल, स्ट्रेचर लाओ, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलाओ। जो मुश्किल है वो आसान है कितने, ये राज तू ले जान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता।